हेलो गाइस, दिस इज दीपक एंड वॉचिंग नाउ बी परफेक्ट चैलेंज। तो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी कमाल की है क्योंकि आज मैंने फाइनली इसका फाइनल वर्जन ला दिया है GTA San Andreas के ग्राफिक का, एंड ये बिल्कुल 100% ओके वाला वर्जन है। आपको पता ही है, मैंने ऑलरेडी कई सारी वीडियोस ग्राफिक के ऊपर अपलोड करी हैं, बट उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कमी थी, बट आज वो भी कमी सबकी सब फिक्स हो चुकी हैं। तो इसके अंदर गाइस आपको रियलिस्टिक नाइट, डे, इवनिंग, मॉर्निंग, जितना भी मतलब जो टाइमलाइन होते हैं सभी की सभी आपको देखने को मिलेगी। एंड जो वेदर्स होते हैं, जैसे कि रेनी सीजन वेदर हो गया, फोगी वेदर हो गया, जितने भी टाइप के वेदर होते हैं वो भी आपको काफ़ी रियलिस्टिक देखने को मिलेंगे एंड पहले से कई ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेंगे। और जो स्ट्रीट लाइट्स होती है, इनमें प्रॉब्लम आ रही थी, इनके कलर चेंज हो रहे थे बार बार, बट अब इसके अंदर ये बग भी बिल्कुल फिक्स हो चुका है। ऐप आपको ऐसी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। और इसके साथ साथ जब अंडर वाटर हम लोग जाते थे तो ऐसे में हमें काफ़ी डार्क देखने को मिलता था, बट इसके अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो अंडर वाटर का मतलब व्यू है वो भी आपको रियलिस्टिक देखने को मिलेगा। तो मैं सभी गेम प्ले बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको दिखाऊंगा, एंड यहाँ पे मैं वेदर को फास्ट कर देता हूँ ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा गेम प्ले देख सको, बट फिर भी ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भाई बिना स्किप करें इस वीडियो को पूरी देखना। और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपको क्लाउड्स देखने को मिलेंगे, ये पहले से कहीं ज़्यादा बेटर आपको देखने को मिलेंगे एंड बिल्कुल रियलिस्टिक लगते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ, अभी जो मैं डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ वो Redmi Note 8 है, इसका प्रोसेसर Snapdragon 665 है। तो गाइस, अगर आपके पास मेरे से भी मतलब कम परफॉर्मेंस वाला मोबाइल है तो ऐसे में जाहिर सी बात है आपको अपने ग्राफिक कम रखने होंगे, एंड विजुअल इफेक्ट्स अगर आप हाई या हाई से कम रखते हो तो ऐसे में जो ब्राइटनेस का लेवल है ना वो आपको 65 या 70 के बीच में ही रखना है। ओके गाइस, इस चीज़ को याद में रखना, 65 से 70 के बीच में ही रखना है। एंड ऐसे में आप देख सकते हैं थोड़े से ग्राफिक मतलब डल से नज़र आते हैं, फेड से नज़र आते हैं, बट ओवरऑल पहले से अच्छी ग्राफिक्स हैं एंड क्लाउड भी आपको रियलिस्टिक देखने को मिलेंगे। एंड इसके अलावा अगर आप शैडो ऑन ऑफ करते हो, जो कार रिफ्लेक्शन होता है उन्हें ऑन ऑफ करते हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बस फ़र्क पड़ता है विजुअल इफेक्ट से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने शैडो को ऑन कर दिया तो ग्राफिक में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आई है, ठीक है, बट ये नॉर्मली पहले से तो बेटर ही है। एंड अगर आप पे मेरे जैसा मोबाइल या मेरे से अच्छा मोबाइल होता है, ऐसे में यार आप ना अपने ग्राफिक को सिंपली जो विजुअल इफेक्ट होता है ना इसको मैक्स रखना है, एंड जो ब्राइटनेस लेवल है ना इसे आपको 75 से 80 के बीच में रखना है। ओके गाइस, 75 से 80 के बीच में, एंड आप अपने हिसाब से भी थोड़ा मतलब कम ज़्यादा कर ही सकते हो। तो गाइस देखिए, विजुअल इफेक्ट से मैक्स करते ही क्या ग्राफिक में मतलब क्या इंप्रूवमेंट आ गया, कितना कमाल का लग रहा है। तो अभी यहाँ पे मैं अपने इस फ़ोन के अंदर मैक्सिमम ग्राफिक करके इस गेम को खेल लेता हूँ, बट कभी कभार मेरे को थोड़ा सा लैग देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप पे मेरे से अच्छा प्रोसेसर वाला मोबाइल है तो आपके लिए तो फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल हर एक सेटिंग को मैक्स करके आसानी से प्ले कर सकते हो। या अगर मेरे से कमज़ोर डिवाइस है तो भी आप इसे लो सेटिंग पे भी प्ले कर सकते हो, बट ऐसे में जो आपको थोड़े ग्राफिक के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बाकी चाहे कितना भी वीक डिवाइस क्यों ना हो तो उसमें भी ये चीज़ अच्छे से मतलब रन करेगी, बट वो ये कि वहाँ पर आपको थोड़े से ग्राफिक कमज़ोर देखने को मिलेंगे। तो गेम के जो मिशंस होते हैं आप उसे भी कंप्लीट कर सकते हो, एंड कोई सा भी जो गेम का मिशन होता है उसको कंप्लीट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब जैसे आपकी गेम पहले चलती थी वैसे अभी भी चलेगी, आपको 1% किसी भी चीज़ के अंदर बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, सब कुछ ओके है 100%। एंड इस चीज़ को मैं यूं ही हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैंने इस गेम को काफ़ी टेस्ट करा है खेल खेल के, एंड मेरे को कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आई है ना, तभी आपको ये चीज़ मैं बोला हूँ, एंड तभी मैंने टाइटल में डाला कि फाइनल वर्जन है। ओके गाइस, तो गाइस ये जो मोड है मैंने खुद क्रिएट नहीं करे हैं, बस मैंने हर एक चीज़ को अच्छी अच्छी जगह से अच्छी अच्छी वेबसाइट से ढूंढा है एंड इनको काफ़ी टेस्ट करा है, एंड खुद का अपना एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन फिट करके आज आपके लिए मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सबसे मेन चीज़ होती है कॉम्बिनेशन। कहीं आपको क्लाउड अच्छे देखने को मिलेंगे तो ग्राफिक अच्छे नहीं देखने को मिलेंगे, एंड कहीं आपको अगर ग्राफिक अच्छे मिलते तो आपको नाइट या जो रात का मतलब व्यू होता है वो अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको किसी ग्राफिक पैक में अगर नाइट, डे वगैरह सब अच्छा देखने को मिलता है तो ऐसे में जब अंडर वाटर आप जाते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल डार्कनेस आपको दिखाई देती है एंड वहाँ का व्यू आपको अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। तो यही सब चीज़ें होती हैं, इन्हीं सबको फिक्स करना भी एक चैलेंजिंग का काम होता है, एंड बस मैंने यही करा है, हर एक चीज़ को अच्छे से ढूंढा है एंड सबका कॉम्बिनेशन फिट करके ये एक वीडियो बना दिया। तो कुल मिला के दोस्तों मेरा मेन पर्पस तो बस यही है कि अब 2021 आ गया है, एंड आपको तो पता ही है San Andreas कितनी पुरानी गेम है, बट आज भी इसका क्रेज़ कम नहीं हुआ है, एंड मैं चाहता हूँ कि कम से कम यार आज के हिसाब से आपको कुछ ना कुछ तो अच्छे ग्राफिक देखने को मिले, बस इसलिए मैंने आपके लिए मेहनत करी एंड फाइनली ये वीडियो तैयार हो गया बन के। एंड अगर आप इस चीज़ को सपोर्ट करते हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, एंड लाइक का मेरा एम है 100 लाइक्स का, सिर्फ 100 लाइक चाहता हूँ आपसे और कुछ नहीं चाहता। अगर इतनी मेरे को लाइक्स मिलती है तो मैं समझ जाऊँगा कि मेरी मेहनत सफल रही, और मुझे पक्का उम्मीद है कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करोगे अपने GTA लवर के दोस्तों के साथ।
तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने बातों बातों में आपको लगभग 15 मिनट का गेम प्ले सिर्फ 5 मिनट के अंदर पूरा का पूरा दिखा दिया है। हाँ, बस हो ये कि यहाँ पे मेरे को वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड करनी पड़ी। तो गाइस सिंपली अब हम लोग सीख लेते हैं इसका इंस्टॉलेशन। तो सबसे पहले आपको Zarchiver TXT टूल और जो मेरी zip फाइल है इसे डाउनलोड कर लेना है। सबकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है एंड डायरेक्ट लिंक है, ठीक है। कोई भी आपको एड्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगी। और एक चीज़ गाइस, और TXT टूल आप मेरा वाला ही वर्जन यूज़ करना। तो सबसे पहले आपको जाना है अपने एंड्रॉइड OBB, फिर यहाँ पे आपको अपना com.rockstar वाला फोल्डर फाइंड करना है। सिंपली फोल्डर पर करो क्लिक एंड पैच 8 वाली फाइल पर आपको करना है क्लिक एंड इधर फिर करना है आपको व्यू, फिर आपको इस TXDP पे करना है क्लिक एंड यहाँ पर आपको TXD वाला फोल्डर लॉन्ग प्रेस करके कर लेना है कॉपी। फिर इसको सिंपली आपको करना है क्या है, अपने डिवाइस मेमोरी में जाना है, फिर आपको जाना है दोबारा से अपने एंड्रॉइड, इस बार आपको जाना है अपने डेटा वाली फाइल में एंड यहाँ पर आपको फिर से com.rockstar वाला फोल्डर फाइंड कर लेना है। फिर इस पर करना है क्लिक एंड फाइल्स पे करना है क्लिक एंड यहाँ पर आपको एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है जिसका नाम होगा TXDB। स्पेलिंग में आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है TXDB। आप सिंपली इधर प्लस पे क्लिक करके न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। ओके गाइस, सिंपली इतना करने के बाद इस पर आपको करना है क्लिक एंड यहीं पर कर देना अपनी फाइल को पेस्ट। तो देखिए मैंने ऑलरेडी कर रखी है TXD वाली फाइल पेस्ट। फिर गाइस जो मैंने zip फाइल की लिंक दी थी उसको डाउनलोड करने के बाद आपको उसको कर लेना है एक्सट्रैक्ट एंड यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है 100 स्पेस लाइक्स, ठीक है। स्पेलिंग में बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना, सब कुछ कैपिटल लेटर्स में है, 100 स्पेस लाइक्स। तो गाइस देखिए यहाँ पे फाइल हो चुकी है एक्सट्रैक्ट। तो गाइस एक्सट्रैक्ट होने के बाद आप इस फाइनल वाली फाइल को डिलीट भी कर सकते हो इस zip फाइल को। तो अब आपको करना क्या है, सभी फाइल को कर लेना है सिलेक्ट। देखिए मैंने कर लिया, टोटल 4 फाइल्स हैं एंड इन पे फिर लॉन्ग प्रेस करके आपको कॉपिया कट कर लेना है एंड फिर जाना है सिंपली अपने डिवाइस मेमोरी में एंड जाना है अपने एंड्रॉइड, फिर डाटा एंड यहाँ पे आपको अपना com.rockstar वाला फोल्डर फाइंड कर लेना है। फिर इस पर क्लिक करना है, फाइल्स पे करना है क्लिक एंड यहाँ पर आपको एक डाटा वाला फोल्डर बना लेना है, जैसे देखिए मैंने ये बनाया है। फिर इस पर क्लिक करके आपको इसी को कर देना है यहीं पर ही पेस्ट। ओके, आपका ये काम हो चुका है, डन। अब सिंपली आपको अपना TXT टूल करना है ओपन एंड इस फाइल वाला आइकन पर आपको करना है क्लिक एंड यहाँ पर आपको अपने जाना है एंड्रॉइड, फिर जाना है डाटा एंड यहाँ पर आपको अपना com.rockstar वाला फोल्डर फाइंड कर लेना है। फिर यहाँ पर सिंपली इस फाइल्स पे करना है क्लिक, TXDB पे करना है क्लिक एंड यहाँ पे आपको मार्क करके ऐसे ही से कर लेना है सिलेक्ट। तो सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको इधर सिलेक्ट वाले बटन पे करना है क्लिक एंड यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा प्रोसेस होगा। फिर प्लस वाला आइकन पर आपको करना है क्लिक एंड यहाँ पे फ्रॉम इमेजेस वाले ऑप्शंस पर आपको करना है क्लिक एंड यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, बट आपको यहाँ पर अनकम्प्रेस्ड 32 VP पे करना है क्लिक एंड यहाँ पर सिंपली आपको अपने सारे फोल्डर में चले जाना है जहाँ पे आपने फाइल को एक्सट्रैक्ट किया था। तो देखिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ एंड यहाँ पे ये मुझे फोल्डर पे मिल गए। तो यहाँ पे देखिए आपको ये दो मतलब PNG मिलेंगी, सिंपली दोनों को कर लेना है आपको सिलेक्ट एंड ऊपर इस तरह करना है क्लिक। तो सिंपली आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, तो इसे ओवरराइड पे कर देना है सेट एंड नीचे के जितने भी ये मार्क लगे ना ऑप्शन, इन सभी को आपको हटा देना है। ओके गाइस, ये रिड्यूस टेक्सचर को भी आपको हटा देना है। फिर ओके पर आपको कर देना है क्लिक एंड यहाँ पे बस ये आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड ये ऑटोमेटिक सारी की सारी फाइल इंपोर्ट हो जाएंगी। तो देखिए ये फाइल हो चुकी है अब इंपोर्ट एंड अब आपको सिंपली अपनी गेम को करना है ओपन एंड गेम के ग्राफिक्स सेट कर लेने, जैसे कि अभी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। अगर आपका डिवाइस हाई या लो है तो उसके हिसाब से आपको ग्राफिक्स सेट कर लेने। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।